हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज अपने चैनल पे आज से मैं क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स के वीडियोस भी अपलोड करूंगा, और जिसमें आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल का जो बेसिक लेवल है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों ने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। आज हम लोग क्लास 11 के सारे फॉर्मूले इसी लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि हमारा ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो इस लेक्चर में आप सारे फॉर्मूले सिर्फ दो सिंपल फॉर्मूले से ड्राइव कर सकोगे, वो मकसद है आज हमारा, ठीक है। तो आप लोग इतना पहले नोट करें, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा, अब हम लोग पढ़ेंगे इनके मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल मतलब समथिंग मोर देन वन। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टैन टू थीटा, फिर पढ़ेंगे हम लोग साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा एंड टैन थ्री थीटा, ठीक है। दो ऐसे फॉर्मूले हम बताने जा रहे हैं जिनकी हेल्प से हम सारे फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपकी लिस्ट में पहला फॉर्मूला आता है साइन ऑफ टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को ऐसे ही नहीं याद कर लेना कि साइन टू थीटा था तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया है। इस फॉर्मूले की जब हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ट्वाइस एंगल यहाँ पे आधा हो चुका है। मतलब ये कि ये साइन टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये साइन और कॉस के मल्टीपल में दिया है टू के मल्टीप्लीकेशन के साथ। मतलब ये कि अगर मान लो कि हमारे पास साइन ऑफ फोर थीटा दिया हुआ है, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। इस फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूल हमें याद रखना है कि देयर विल बी नो चेंज विद द फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट इन द फॉर्मूला। मतलब कि फंक्शन में, ये फंक्शन है आपका, इनमें कोई चेंज नहीं होगा और कॉन्स्टेंट क्या लगे हैं ये, देयर विल बी नो चेंज इन द फंक्शन बट द चेंज विल ओनली बी डन विद द एंगल्स। मतलब यहां पर ट्वाइस एंगल था और ये साइन और कॉस का मल्टीपल था, टू मल्टीप्लाइड था, तो हमें साइन और कॉस को चेंज करना नहीं है, ना तो कॉन्स्टेंट से कोई चेंजेस करने हैं। तो यहां इसको एज इट इज लिख लेंगे, एक तरह से फॉर्मूले का स्केलेटन लिख लेंगे, ठीक। यहां पे एंगल्स को हमने आधा किया था तो फोर थीटा का आधा कितना होगा, टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू थीटा, मतलब कॉस टू थीटा। अगर आपसे कोई कह दे कि साइन ऑफ 16 थीटा, स्केलेटन लिख ले फॉर्मूले का, क्योंकि हमको ना तो फंक्शंस और ना ही कॉन्स्टेंट्स, इनके साथ कोई चेंजेस नहीं करने, तो एंगल जो टोटल है उसको हाफ कर देंगे, दैट मींस इट वुड बी 8 थीटा। इसी तरह से पॉसिबल है कि साइन थीटा, तो स्केलेटन लिख लें, ये इनका स्केलेटन, जो भी यहां पे एंगल होगा उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, दैट मींस कि ये थीटा बाई टू एंड थीटा बाई। फिर आता है साइन थीटा बाई टू, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है तो स्केलेटन एज इट इज लिख लेंगे, ये एंगल का आधा, तो थीटा बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई फोर। तो यहां पे आप एक फॉर्मूले की एनालिसिस करके चाहे जितने फॉर्मूले बना सकते हो उसी तरीके के। तो ये पहला फॉर्मूला था आपकी कैटेगरी का, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल कैटेगरी का पहला फॉर्मूला था, ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। अब हम लोग एक फॉर्मूला, नेक्स्ट
फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर कॉस टू थीटा। तो देखते हैं कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है। पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करना है एक तरीके से। और अभी मैं, जैसा कि मैंने वादा किया है लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि मैं इन सारे फॉर्मूलों को सिर्फ दो फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो अभी टेम्परेली आप इसे मेमोराइज करिए। तो एक फॉर्मूला हमने बेसिक पढ़ा है, यहां पे रख सकते हैं क्या, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लेना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, वन माइनस, ये दोनों कितना आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग और एक फॉर्मूला में, मतलब कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला मिल गया। मतलब एक फॉर्मूला ये था, फिर एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला देखते हैं, कॉस टू थीटा का एक अगला फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर रखी थी, इस बार इसको एज इट इज रखा रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को भी लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स की वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कितना आएगा, कॉस टू थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा आपका हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहां से देखिए एक तीसरा फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। मतलब कि हमने केवल एक फॉर्मूला याद किया और बेसिक फॉर्मूलों की हेल्प से हमने अदर टू फॉर्मूलों को, वी हैव ड्राइव द अदर टू फॉर्मूलाज। ओके, इसे नोट करें आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं फॉर्मूलों में कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बीच वाला रफ कर देते हैं। अब देखिए यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि कॉस टू थीटा के फॉर्मूले को कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में रखा गया है और एंगल को आधा किया गया। मतलब यहां पे टू थीटा था तो यहां पे थीटा और थीटा कर दिया गया, यही तो किया गया। सेम काम यहां भी किया गया है कि ट्वाइस वाले को यहां पे आधा कर दिया गया है, यहां भी ट्वाइस वाले को हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग अगर कोई कहे कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला चाहिए इनके टर्म में, कॉस फोर थीटा का भी पूछ सकता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और देखें, से कोई कह दे कि भाई कॉस फोर थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो हमें क्या करना है, पहले स्केलेटन लिख लेना है। हमें अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के डिफरेंस में फॉर्मूला पूछा गया है, मान लीजिए कॉस फोर थीटा, और इट हैज बीन रिक्वायर्ड कि हमें इस तरह का फॉर्मूला चाहिए फोर थीटा का, तो हम लोग पहले इसका स्केलेटन लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए मेन फॉर्मूले में एंगल को आधा किया गया है, तो यहां पे भी एंगल को फोर थीटा है, इसका आधा कितना आएगा, टू थीटा एंड टू थीटा। अगर कोई कह दे कि कॉस थीटा को इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, कॉस और साइन के स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्केलेटल एज इट इज लिख देंगे माइनस लगा के। अब बताइए थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा बाई टू, यहां कितना लिखेंगे, थीटा बाई टू। ठीक, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। 16 थीटा दिया होगा तो 8 थीटा, 8 थीटा, थीटा बाई टू दिया होगा तो थीटा बाई फोर, थीटा बाई फोर, थीटा दिया है तो थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब आते हैं इस फॉर्मूले के ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने क्या बताया है, ड्यूरिंग फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन देयर विल बी नो चेंज विद द फंक्शन एंड द कांस्टेंट। फंक्शन और कांस्टेंट्स के साथ कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। चेंजेस कहां पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगल के साथ। तो अगर मान लो कोई कहता है कॉस फोर थीटा का फॉर्मूला बताइए इनके टर्म में, तो इनका स्केलेटन लिख लेंगे पहले हम। मेन फॉर्मूले में एंगल को क्या किया गया है, हाफ किया गया है, तो एंगल को हाफ किया, यहां एंगल हाफ कितना आएगा, फोर थीटा का, टू थीटा। अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो स्केलेटल एज इट इज लिख लेंगे
अब मेन फॉर्मूले में एंगल को हाफ किया गया है, तो यहाँ पे भी एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, हाफ। तो थीटा बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर अब इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कॉस फोर थीटा अगर कोई कह दे तो स्केलेटन लिख लेंगे एज इट इज, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन थीटा, यहाँ टू थीटा को थीटा किया गया है, दैट मीन्स की थीटा को हाफ किया गया है, तो फोर थीटा का हाफ कितना आएगा, टू थीटा। अगर आपसे कोई कह दे कॉस थीटा बताइए इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला, तो इसका स्केलेटन हम लोग लिख लेंगे, और मेन फॉर्मूले में एंगल को हाफ किया गया था, तो यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर देंगे। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये था एक छोटा सा डेमो आपके फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और सब चीजें कवर करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द ग्रैंड फादर ऑफ ऑल द फॉर्मूलास, ग्रैंड फादर ऑफ ऑल फॉर्मूलास, ग्रैंड फादर ऑफ ऑल फॉर्मूलास। ग्रैंड फादर कहने का मतलब कि ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं, मास्टर फॉर्मूला भी कह सकते हो आप इसको। मतलब कि पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एंड सेकेंड वन इज योर साइन कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी। बहुत गौर से समझिएगा, इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला डिराइव हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब ये कि साइन ए प्लस बी दिया है तो क्या आएगा भाई, साइन ए कॉस बी, अगर प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब अगर साइन ए प्लस बी दिया हुआ है सिंपली, तो यू विल राइट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो और अगर माइनस लगा हुआ है तो यहां सिंपली माइनस लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे देखिए उल्टा है, यहां प्लस अगर है, मतलब अगर फॉर्मूला आपका इसको भूल जाएगी नीचे वाला, अगर फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी देन यू विल राइट इट एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी है तो यहां पे आप सिंपली प्लस लगा दीजिए। इस फॉर्मूले को एकदम धीरे दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूलों को ड्राइव करके दिखाएंगे आज इसी लेक्चर में। ठीक है, तो नोट करें इतना पहले आप। चलिए अब आप लोगों को एक एक करके इन सब फॉर्मूलों का चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले से क्या क्या ड्राइव हो सकता है। जैसे मान लो कि हमें चाहिए साइन टू थीटा का या साइन टू ए का। साइन टू ए साइन टू थीटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसको ट्वाइस ऑफ ए बनाना है तो हमारा बी कितना होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताइए, बी इज इक्वल टू हमारा ए हो जाए तो ये साइन ट्वाइस ए हो जाएगा। ठीक, जरा रखिए, साइन क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस ए। अब जहां जहां पे बी रखा है वहां वहां पे हमें ए रखना पड़ेगा। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। भाई यहां पे तो चेंज किया हुआ, यहां पे भी करना पड़ेगा ना, मतलब यहां पे अगर बी इक्वल टू ए रखा है तो यहां पे भी बी इक्वल टू ए रखना पड़ेगा हर जगह जहां जहां। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, साइन टू ए बन गया, और यहां क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए। बात एक ही है, कम्यूटेटिव रिजल्ट होता है, चाहे ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, मतलब ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए।
याद करिए आपने क्या पढ़ा है कि साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैसे ही आ गया कि नहीं आ गया, देखिए क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था भाई हमने कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो पढ़ा है ना हमने। अब अगर हमें कॉस टू ए का फॉर्मूला चाहिए तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू ए रखना पड़ेगा, मतलब यहां पे बी इक्वल टू ए रख देंगे तो ए प्लस ए ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, जहां जहां पे बी रखा है वहां पे ए रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं करके, कॉस ऑफ ए प्लस ए विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए, तो ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए, मतलब कॉस ऑफ टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर याद करें तो ये कुछ वैसा ही फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ये चीज। तो इन फॉर्मूले से हमने दो चीजें ड्राइव करके देख ली, इतना आप लोग नोट करें पहले। अब हमारी लिस्ट में अगले फॉर्मूले हैं आपके, अब देखते हैं एक फॉर्मूला हमें जो ड्राइव करना है, दैट इज योर टैन ए प्लस बी। तो ये जनरली ये फॉर्मूला जो होता है आपको याद करना नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ओके, तो क्या टैन ए प्लस बी को हम ये नहीं लिख सकते कि साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं एक तरह से। मान लो एग्जामिनेशन में या कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है और हमें वी कांट रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला एग्जैक्टली, सो वी कैन ड्राइव दैट इफ वी रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थोड़ा सा अगर इस फॉर्मूले को रिमेंबर दिमाग में हल्का सा रखेंगे तो ये जहन में रहेगा भाई यहां पे वन रखना है, यहां पे वन अगर लाना है तो इस पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, और ए कॉमन आ जाएगा तो सेम चीज ऊपर से भी कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। मतलब कि डिनोमिनेटर पे हम लोग क्या करेंगे कॉस ए कॉस बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा वन माइनस साइन ए साइन बी। अब भाई कॉस ए कॉस बी यहां तो है नहीं, बेसिक तरीका ये है कि उसी के डिवीजन में चला जाएगा, तो कितना आएगा भाई, ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छा सा लगा दे, कॉस ए कॉस, और यही चीज कॉस ए कॉस बी को ऊपर से भी निकाल ले ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि कॉस ए कॉस बी को हमने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो कॉस बी तो निकल गया, कॉस ए है ये डिवीजन में चला जाएगा, क्या बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए तो निकल गया कॉमन में, कॉस बी नहीं है तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा साइन अपॉन कॉस बी। मतलब ये तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई है, क्या इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते आप लोग, यस निकाल सकते हो आप, एक्स निकाल लो वाई में नहीं था ना तो वाई में डिवाइड कर दो, ये तरीका यहां पे इस्तेमाल किया है भाई, ये सीधा सीधा यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल हो, तो हमारा यहाँ पे ये है क्या साइन ए प्लस बी पॉइंट, क्या ये क्या है टैन ए प्लस बी है, तो टैन ए प्लस बी क्या मिलेगा हमको साइन ए अपॉन कॉस ए क्या मिल जाएगा टैन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या मिल जाएगा टैन बी,
अपॉन वन माइनस ये क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए क्या है टैन बी साइन बी अपॉन कॉस बी ये फॉर्मूला टाइप होते ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है शायद ही ऐसा कोई फॉर्मूला हो जो इन दो फॉर्मूलों से ड्राइव ना होता हो तो मैंने कुछ हद तक आप लोगों को सिखाया आज इतना आप लोग नोट करें पहले अब हम आगे बढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों से और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिनको याद करना मुश्किल होता है उनको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे चार बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहला है आपका कि टू साइन ए कॉस बी और दूसरा है टू कॉस ए साइन बी और तीसरा है आपका टू कॉस ए कॉस बी और चौथा है आपका टू साइन ए इंटू साइन बी ये बहुत अजीब से फॉर्मूले हैं इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हमने इनको ड्राइव करके देखने की कोशिश करी है आपको ठीक है चलो इनको साइड में कर देते हैं ये चार फॉर्मूले हैं इनके बारे में हमें डेरिवेशन करके देखना है तो मैंने आप लोगों से क्या कहा है भाई हमारे पास जो चार फॉर्मूले हैं क्या हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्लियर है फिर हमने क्या बताया था कि अगर साइन ए माइनस बी की बात करें तो क्या होगा साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी भाई हमने एक बात है ना कि प्लस हो तो प्लस लगाना है माइनस हो तो माइनस लगाना है फिर आता है आपका कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस है तो यहां माइनस लगता है माइनस साइन ए साइन बी फिर आता है कॉस ए माइनस बी ये आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इन्हीं चार फॉर्मूलों को मैंने कंडेंस करके कंडेंस फॉर्म में लिखा था ये प्लस माइनस लिख दिया था यहाँ पे प्लस माइनस अब मैंने एक्सपैंड करके लिखा ठीक है तो इसको मान लेते हैं हमारी भाई ये पहली इक्वेशन है दिस इज योर सेकंड इक्वेशन दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन अब हमें ये गौर करना है कि हमें चाहिए क्या हमें चाहिए टू साइन ए कॉस बी चाहिए ना क्या देखो इस फॉर्मूले में कहीं से भी साइन ए कॉस बी दिख रहा है हमको यस पहली और दूसरी इक्वेशन में दिख रहा है अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का करें तो क्या करें मतलब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करते हैं तो देखो क्या हो रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये साइड इस साइड से ऐड होगा और ये साइड इस साइड से ऐड होगा और देखिए ये दोनों आपको कैंसिल होते नजर आ रहे हैं प्लस माइनस अपोजिट पोलैरिटी और ये दोनों ट्वाइस होते हुए नजर आ रहे हैं ये कैंसिल हो गया ये ट्वाइस हो गया मतलब टू साइन ए कॉस बी हो गया अब इधर ऐड हुआ है तो इधर भी ऐड होगा तो क्या मिलेगा टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस फिर से समझिए जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे भाई पहले देखा कि ये साइन ए कॉस बी हमें दिख कहां पे रहा है चारों इक्वेशन में तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दिख रहा था तो हमने क्या किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रैंडमली ऐड किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे वही काम हमें मिल गया वही साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मिल गया ठीक है अब हमें चाहिए क्या कॉस ए टू कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी तो कॉस ए साइन बी भी इसी में दिख रहा है लेकिन इन दोनों को ऐड करने से काम नहीं चलेगा इस बार देखिए कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन ऐड करेंगे तो ये कर जाएगा तो क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करें तो ये वाला इससे माइनस हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हमें ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा ट्वाइस हो जाएगा तो इधर ये दोनों कैंसिल हो गए ये दोनों ट्वाइस हो गए माइनस का माइनस प्लस हो गया और यहां माइनस हो जाएगा
क्या आएगा भाई, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका देखिए दूसरा फॉर्मूला ट्राई हो गया। फिर आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। क्या है आपका, कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी, मतलब टू कॉस ए कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कॉस बी कहां दिख रहा है हमको, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, मतलब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। तो देखिए साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी की वजह से, और ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे। मतलब जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो दोनों तरफ ऐड होता है, ये वाला भी ऐड होगा, ये वाला भी ऐड होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ट्वाइस हो जाएंगे, ये हमें ये मिल जाएगा और यहाँ पे इनका एडिशन मिल जाएगा। दैट मीन्स की कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब हमारा लिस्ट में अगला फॉर्मूला क्या है भाई, इसको नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। फोर्थ फॉर्मूला क्या है भाई, साइन टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। किसमें दिख रहा है वो, साइन ए साइन बी, इन दोनों में दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। ऐड कर चुके हैं, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स की फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन को इससे माइनस करो तो ये वाला इधर से माइनस होगा, ये इससे ये माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू साइन ए साइन बी मिल जाएगा हमको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये ट्वाइस, तो ये लिख दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमें आपकी लिस्ट का चौथा फॉर्मूला भी यहां से ट्राई हो गया। तो ये चार नहीं बल्कि दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि जहां प्लस है वहां प्लस लगा है, जहां माइनस है वहां माइनस लगा हुआ है, और यहां वही हाल यहां है कि जहां प्लस है वहां माइनस लगा हुआ है, जहां माइनस है वहां प्लस लगा हुआ है। तो ये एक छोटा सा डेमो था, नोट करिए।